Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. From now on, I'll be beginning a new series where I'll be featuring my top favorite product in particular category. So aaj main start karne wali hu blushes ke saath, because summers ho, winters ho, ya fir makeup karo na karo, blush ek aisi cheez hai jo I think har ladki lagati hai. It looks very nice aur mere hisab se to makeup uske bina adhura lagta hai. Like look at this, my face looks flat right now because maine koi bhi blush nahi lagaya. It is just a natural glow. Maine makeup bhi bahut halka kiya hai taki main aapko sare जितने ही ब्लशेज मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ आपको थोड़ा आइडिया रहे कि नेचुरल स्किन पे जिसपे लाउड मेकअप नहीं होता उसके ऊपर ब्लश एक कैसा लगता है. ऑल्सो अमेजोन पे ब्यूटी सेल चल रही है तो ये सारे ब्लशेज आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिलेंगे, फ्रॉम पाउडर, कलर चेंजिंग, मैजिकल लिप टिंट्स, मैं सारे आज फीचर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. अफोर्डेबल ब्लश इनफैक्ट सबसे ज्यादा यूज मैं यही वाला ब्लश करती हूँ बिकॉज आई लव इट. शादी के बाद से तो मैं कॉन्स्टेंटली इसको यूज कर चुकी हूँ. आपने काफी सारे मेरी री गेट रेडी विद मी में देखा ही होगा और अब ये टूट भी गया सैडली, रिसेंटली गिर के टूट गया, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई लव इट. ये स्विस ब्यूटी का बेक ब्लशर एंड हाइलाइटर. सो ये ब्लश और हाइलाइट दोनों है. इसमें आपको ऐसे चार शेड्स मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं. अमेजोन पे अभी 7 से 8 शेड्स अवेलेबल हैं. आई कैन सी सम ब्रॉन्जी शेड, सम लाइट शेड्स, मतलब ऑलमोस्ट 7 शेड्स हैं जो अवेलेबल है. लाइक दे हैव समथिंग इन येलो टोन, हल्का सा ऐसे वार्म टोन में भी है. तो काफी सारे इनके पास शेड्स अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो. मेरे पास जो शेड है वो है 03 एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल शेड. इसका सबसे बेस्ट बात यही है, जब मुझे खाली ब्लश यूज करना होता है मैं ऊपर वाला पिकअप कर लेती हूँ, जिस दिन मुझे खाली हाईलाइटर यूज करना होता है मैं ये पिकअप कर लेती हूँ, और जिस दिन मेरा मन होता है मुझे एक ग्रेडियंट जैसा इफेक्ट चाहिए. आजकल आप देखोगे भी काफी लोग यहाँ पे लाइट कलर लगाते हैं फिर यहाँ पे डार्क कलर लगाते हैं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं. आप ये वाला ब्लश ले लो, आप यू कैन जस्ट स्वर्ल अराउंड द होल ब्रश एंड जब आप इसको लगाओगे, स्वाइप अक्रॉस करोगे तो काफी अच्छा शेड निकल के आएगा. मैं आपको पूरा स्वॉच यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा दूंगी. मैं पर्सनली ऐसे यूज करती हूँ, मैं पूरा ब्रश ऐसे स्वर्ल कर देती हूँ एंड जस्ट यूज इट लाइक सो. बहुत अच्छा कलर निकल के आता है, हाइलाइटर का भी काम करता है, ब्लशर का भी काम करता है, एंड 4-in-1 है ना, तो आप इसको एज आई शेडो भी यूज कर सकते हो. तो अगर आप बहुत कम मेकअप करते हो, आपको ज्यादा मेकअप लेना पसंद नहीं है बिकॉज लोगे फिर वेस्ट होगा, पड़ा रह जाएगा, तो आप खाली ये ब्लशर भी ले सकते हो. इससे आपका हाइलाइटर, ब्लश और आई शेडो का भी काम हो जाता है. अच्छी डील पे अवेलेबल है तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट अप इज समथिंग दैट आई रिसेंटली बॉट फ्रॉम अमेजोन एंड रियली लव्ड इट बिकॉज इसका शेड काफी डिफरेंट है. अगर आपको सटल ब्लश लगाना पसंद है ना, लाइक एकदम चटाक वाला पिंक नहीं चाहिए, एकदम लाइट भी नहीं चाहिए, कुछ एक सटल सा शेड चाहिए जो इंडियन स्किन पे अच्छा लगे, या फिर आपको वर्क ऑफिस वेयर के लिए कुछ चाहिए, तो ये काफी अच्छा है. ये है लमेल का बीबी ब्रश. दिस इज द टिंट क्रीम फॉर्मुला, डूई सिल्क फिनिश ये देता है. आई मीन द शेड टी रोज. इसके ना 2-3 शेड और आते हैं लेकिन ये जो स्पेसिफिकली शेड है ना टी रोज, ये बहुत प्यारा शेड है. लाइक लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल कलर. ये बहुत अच्छा ड्यूप है मेरे फ्लावर ब्यूटी के ब्लश का, एंड मैंने सारा वो पहले वाला वाइप ऑफ कर दिया था, उससे मेरा मेकअप भी थोड़ा रिमूव हो गया. सो लिटरली ये नो मेकअप स्वॉचेस हैं. वैसे भी ऐसे वाले ब्लशेस बिना मेकअप के अच्छे लगते हैं. लुक एट दिस, मैंने थोड़ा ज्यादा लगा दिया अभी, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है. आप इसको टेम डाउन भी कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा सटल करना आप सटल कर सकते हो, थोड़ा सा लाउड करना आप लाउड कर सकते हो, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल. लाइक यू कैन सी द डिफरेंस बिना मेकअप के ही कितना अच्छा लग रहा है ब्लश, अगर आप बहुत लाइट मेकअप करना चाहते हो या फिर आप कुछ रेगुलर बेसिस के लिए देख रहे हो. ऑल्सो ऐसे जो ब्लशेज है ना वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छे हैं बिकॉज एक्ने स्किन वालों को डेली बेसिस पे ब्रशेज या फिर पैन बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए बिकॉज लेट जस्ट एक्सेप्टेड, हम वीकली बेसिस पे तो ब्रश नहीं क्लीन कर पाते, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता. और एक्ने जो है ना वो आपको मेकअप से नहीं होते, आपको टूल से होते हैं. तो वो पैन पे बैक्टीरिया हो सकता है, आपके ब्रश पे बैक्टीरिया हो सकता है. तो अगर आप एक्ने प्रोन, आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्ने जल्दी हो जाते हैं, तो आप ऐसा ब्लश ले सकते हो. आप इसको खाली फिंगर से लगाओ, दैट्स इट, आपको कोई ब्रश या फिर कोई पैन की जरूरत नहीं है. आई हैव अनदर शेड टी ब्लॉसम इन दिस वन, लाइक लुक एट दिस, ये काफी चटाक वाला पिंक कलर है लेकिन मैंने ये टी रोज लिया है. ऑनलाइन जो है वो टी रोज थोड़ा सा लाइक ऐसा लगता है कॉन्टोर शेड है, बट ऐसा नहीं है. मैंने आपको सॉच करके दिखा दिया, टी रोज कुछ इस तरह से दिखता है. एंड इफ यू हैव टू बाय अ नाइस लिक्विड ब्लश, आई थिंक दिस इज द वन दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर. इट्स अ स्केरी ब्लश. अगर आप उसकी एप्लीकेशन थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे, लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको यूज किया था, मैंने रील भी बनाई थी, वो रील मैं यहाँ पे डेफिनेटली इंसर्ट करूंगी. आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट टाइम लगाया कि कलर नहीं आ रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और लगा लिया एंड इट इज अ मैजिकल कलर चेंजिंग ब्लश. मैं बात कर रही हूँ रेने के पीएच मैडनेस ब्लश की. कुछ इस तरह से पैकेजिंग आती है, काफी स्लीक और पतली सी इसकी पैकेजिंग है.
है एंड वंस यू ओपन इट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स लाइक ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग, तो आप उसको ट्रैवलिंग में भी रख सकते हो बिकॉज कुछ भी इसमें टूटने वाला नहीं है. एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ये ऐसे पैन फॉर्म में आता है एंड इट इज अ कलर चेंजिंग ब्लश. इसको तो आजकल मैं एज अ लिपस्टिक भी यूज कर लेती हूँ बिकॉज का इतना चटाक कलर आता है ना, वो एज अ लिप टिंट ज्यादा अच्छा लगता है. सो ये टू इन वन प्रोडक्ट का काम कर रहा है. अगर आपको अपने बैग में रखना है कि आप एज अ लिप बाम या फिर लिप टिंट भी यूज कर सकते हो एंड एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हो. दो ये ब्रांड क्लेम नहीं करती है लिप टिंट है, लेकिन मैं पर्सनली इसको एज अ लिप टिंट भी यूज कर लेती हूँ. सो दिस इज हाउ द ब्लश लुक्स लाइक. कैन यू सी मेरी फिंगर में इसका कलर चेंज हो गया. मैं जरा जूम इन करके दिखाती हूँ. सो वंस यू अप्लाई, आपको लगेगा यार कुछ आ ही नहीं रहा, कोई कलर नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा. मैंने भी जब फर्स्ट टाइम यूज किया मैंने कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया एंड थोड़ी देर बाद माय चीक्स वर लाइक लिटरली रेड. यू कैन सी इन द वीडियो कैसे मेरे चीक्स एकदम लाल हो गए थे. एंड ये ऐसा टिंट है जो लिटरली चिपक जाता है, आपकी स्किन से उतरता नहीं है. ऐसे मैं अभी लगा रही हूँ बिकॉज इसको अगर लगा लिया ना ये हटेगा नहीं और फिर मैं बाकी ब्लशेस आपको नहीं दिखा पाऊंगी. मैंने रहने का पीएच कलर लिप बाम भी यूज किया हुआ है, मुझे वो भी काफी पसंद था. मैंने वो पूरा लिटरली फिनिश कर दिया था, आई रियली लव्ड इट. और ये सेम फॉर्मुलेशन में है, ब्लैक कलर का है लेकिन कलर चेंज होकर बहुत खतरनाक सा पिंक कलर हो जाता है. सो या यूज इट वाइजली. ब्लश जो कहता तो खुद को ब्लश है लेकिन ये मोर लाइक अ शिमर एल्यूमिनेटर का काम करता है. तो जिस दिन आपको ऐसे ब्लशी ब्लशी चीक नहीं चाहिए, आपको खाली एक ग्लो चाहिए, हाईलाइटेड अपनी स्किन दिखानी है, तो डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हो. मैं अपने पाउडर ब्लशेस के ऊपर इसको अप्लाई करती हूँ और ये लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज ये डूई फॉर्मुला है, लिक्विड फॉर्मुला है, तो ये ज्यादा लंबा चलता है. अगर आपका ये ब्लश उड़ जाता है ना, मतलब काफी ज्यादा होता है मेकअप में, सबसे पहले ब्लश आपका एकदम हट जाता है, थोड़ी देर बाद आपको लगता है अरे लगाया नहीं हुआ, वो इससे होता है आप खाली पाउडर ब्लश लगाते हो. तो पाउडर ब्लश के ऊपर अगर आप कुछ लिक्विड ब्लश की एप्लीकेशन करोगे ना तो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा. दिस वन इज बाय टिप्सी ब्यूटी एंड सरप्राइजिंगली दिस इज अवेलेबल ऑन एमेजॉन एज वेल. ये है टिप्सी ब्यूटी का सिल्क कुशन ब्लश शिमर इन द शेड स्ट्रॉबेरी शैम्पेन. ये इनका हॉट सेलर बेसिकली कलर है एंड आप देख ही सकते हो मैंने कितना इसको निचोड़ दिया है. पैकेजिंग थोड़ी सी मुझे इसकी मेसी लगी, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ से मेस्ड अप हो गई है बिकॉज यहाँ से आप इसको अनलॉक करोगे ना तब यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, विच इज गुड. लाइक एटलीस्ट लीक नहीं होता, लेकिन जो यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है ना, आप जब उसको यहाँ से बंद करोगे तो पूरा अंदर स्प्रेड हो जाता है और आसपास स्प्रेड हो जाता है. सो व्हाट आई डू, आई बेसिकली टेक दिस वन जो आसपास लगा हुआ है, मैं पहले इसको यूज करती हूँ बिकॉज इसको क्यों वेस्ट करना. एंड दिस इज द सिल्क कुशन टिप. ये बेसिकली ड्यूप है शार्लेट टिलबरी का. मैं आपको एक बार स्वॉच भी दिखा देती हूँ, लाइक लुक एट दिस. अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ. मैंने पहले वाला ब्लश एकदम हटा दिया एंड दिस इज नो फिल्टर बाय द वे. यू कैन सी माई एक्ने मार्क्स, डार्क सर्कल्स. मैं जस्ट दिखाना चाहती थी कि बिना मेकअप के ब्लशेस कैसे लगते हैं. सो यार थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट किया, ज्यादा मैं नहीं निकालती इसमें से बिकॉज जब एक्सेस में आ जाता फिर ओवर शिमर हो जाता है और ओवर शिमर भी अच्छा नहीं लगता. सो ऐसे डॉट डॉट किया एंड फिंगर से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ. अगेन ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है. एंड कैन यू सी द ग्लो, लाइक लुक एट दिस. ओ माई गॉड, दिस लिटरली फील्स लाइक ग्लास स्किन. द बेस्ट पार्ट इज इसके वो शिमरी पार्टिकल्स बड़े नहीं है जैसे स्विस ब्यूटी के है ना, हल्के से चंकी है. ये शादी पार्टी के लुक में अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको डेली बेसिस में वेस्टर्न लुक करोगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ यार कुछ लाउड लगाया है. बट दिस वन इज वेरी वेरी माइल्ड, लाइक लुक एट दिस. इसके शाइनी जो शिमर पार्टिकल्स हैं वो कितने फाइनली मिल्ड है आपको पता भी नहीं चल रहा. इट लुक्स नाइस, हल्का सा एक पिंक इफेक्ट आया जो बहुत हल्का है बट एक बहुत अच्छा ग्लो दिया है. कैन यू सी द होल ग्लो ऑन माई फेस. मैं तो काफी बार इसको अपने आईलेट्स पे भी यूज कर लेती हूँ क्विक अगर कोई लुक करनी हो. एज अ आई शेडो भी बहुत अच्छा लगता है. लुक एट द डिफरेंस, यहाँ कुछ भी नहीं है एंड लुक एट दिस, कितनी अच्छी ग्लोइंग स्किन लग रही है. सो या ये शार्लेट टिलबरी का एक अफोर्डेबल ड्यूप आप बोल सकते हो एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. ये और भी शेड्स में आता है, अमेजोन पे अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो. नेशनल ब्रांड ब्लश, जो रिसेंटली अमेजोन पे भी लॉन्च हो गया है, द नेम इज रॉ मैन. आई एम श्योर आपने काफी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स की वीडियो में इसके रिकमेंडेशन देखे होंगे. दिस इज अ लिप एंड चीक टिंट जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. आई एम इन द शेड फिक फिक जो इनका बेस्ट सेलर शेड है जो काफी अच्छा लगता है एंड इट कम्स इन अ डो फुट लाइक एप्लीकेटर लाइक सो. ये तो मैं स्पेसिफिकली जब जिम जाती हूँ ना हल्का से ऐसे लिप पे लगा के ब्लेंड कर लेती हूँ, अच्छा लगता है, एकदम नेचुरल पिंकी पिंकी लिप्स लगते हैं. अदरवाइज अगर आप जिम जाओगे, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप लिपस्टिक या लिक्विड लिपस्टिक लगा लो, अजीब लगता है, तो लाउड लगता है, ऊपर से वो स्मज भी हो जाती है. इससे एक नेचुरल पिंक कलर भी आता है जो सुंदर लगता है. मैं अगर कुछ मेकअप नहीं करती तो मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ लिप टिंट लगा लूँ ताकि थोड़ा सा फेस डल ना लगे. सो मैं इसको जिम जाने से पहले हल्का हल्का ऐसे लगा के डैप करके जाती हूँ. बट आज हम खाली ब्लशेस की बात कर रहे हैं तो मैं जरा ब्लश एप्लीकेशन इसकी दिखा देती हूँ. नाउ ये जो ब्लश है ये थोड़ा सा स्कैरी है अगर आप जल्दी ब्लेंड नहीं करोगे. लाइक अगर आपने इस साइड लगाया फिर आप इस साइड लगा रहे हो फिर आप वापस इस साइड ब्लेंड करोगे ना, यहाँ पे उसके स्पॉट्स बन जाएंगे. तो लिटरली आपको इसको जल्दी जल्दी लगाना है बिकॉज ये टिंट सोक कर लेता है आपकी स्किन में. सो यू हैव टू बी रियली क्विक. तो इसको मैंने फटाफट ऐसे लगाया एंड आई क्विकली ब्लेंड इट आउट लाइक सो.
लाइक बिल्कुल वेट नहीं करनी, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे निशान पड़ जाएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में सीखा। मैं एक बार लिटरली कहीं लगा के चली गई थी और मैंने घर आके देखा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पॉट्स पड़े हुए हैं। मुझे अमन ने बोला कि क्या मार्क पड़ा हुआ है, तो मैंने देखा कि वो ब्लश का मार्क पड़ा हुआ है। तो इसको जल्दी जल्दी लगाना, बट इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स ड्यूई, लाइक एक नेचुरल फिनिश आती है, ड्यूई है। एंड सिंस ये वाटर बेस्ड टेंट है, जैसे पतले पतले पानी जैसे होते हैं ना, ये काफ़ी नेचुरल लगता है, बिल्कुल भी ओवर लाउड नहीं लगता। लाइक यू कैन सी ज़्यादा ब्लश की इतना लुक नहीं आ रही एंड इट लुक्स नाइस, एक अच्छा ग्लॉसीनेस भी दे रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे वर्क के लिए ऑफिस के लिए कुछ देख रहे हो, इट लुक्स नाइस। मैं आपको एक बार हैंड स्वॉच भी दिखा देती हूँ। सो दिस आउट लुक्स लाइक लिटरली पानी जैसा टेंट है, जैसे इटीवुड हाउस का आता है या फिर फेस शॉप का आता है ना, ये बिल्कुल वैसा वाला ही टेंट है। एंड वंस यू ब्लेंड इट, ये ज़्यादा पता भी नहीं चलता, एक नेचुरल लुक देता है आपकी स्किन को, एक ड्यूइनेस आती है। तो अगर आपको कोई चिपचिपी वाली ड्यूइनेस नहीं पसंद तो आप ये ब्लश स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको ऐसे ग्लॉसी हल्का सा एक ड्यूई ड्यूई ब्लशेस पसंद है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, बिकॉज टेंट थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कम्पेयर टू पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। लग्जरी कैटेगरी अमेजोन पे लॉन्च हो गया है न्यूड स्टिक्स, जो मुझे खुद कल जाके पता चला। कल मैं अमेजोन की इवेंट में गई थी जो इनका ब्यूटी सेल का इवेंट था, मुझे वहाँ पर जाके पता चला कि न्यूड स्टिक्स अवेलेबल ऑन अमेजोन। मैंने घर जाती सर्च किया, आई वाज सरप्राइज्ड, यस इट इज अवेलेबल, इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। इनके ब्लशेज, इनके जो स्टिक वाले प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे अवेलेबल हैं अमेजोन पे, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड इनकी पैकेजिंग काफ़ी क्वर्की होती है, कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है वंस यू ओपन इट। यहाँ पे शार्पनर भी है जिससे आप इसको शार्प कर सकते हो। नाउ आई एम इन द शेड मिस्टिक, दिस इज द शेड नेम मिस्टिक, एंड दीज आर बेसिकली लिप एंड चीक टिंट, और ये दोनों का काम करते हैं एज द नेम सेज। आप इसको एज अ लिपस्टिक भी लगा सकते हो एंड एज अ चीक टिंट भी लगा सकते हो। सो कुछ नहीं करना, जस्ट ड्रॉ फ्यू लाइन्स एंड जस्ट ब्लेंड इट आउट, दैट्स इट। ओह, मुझे इस साइड दिखाना था, चलो कोई नहीं, अब मैं दोनों साइड लगा लेती हूँ बिकॉज दिस इज द लास्ट ब्लश। सो या, जस्ट ड्रॉ सम लाइन्स एंड ब्लेंड इट, दैट्स इट। ये पहला मेरी लाइफ पे ऐसा लिप क्रेयॉन वाला प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में एक ब्लश का भी काम कर रहा है। लाइक हाउ कूल इज दैट, आप अपने ऑफिस में ले जा सकते हो, आप इसको एज अ लिपस्टिक यूज़ करो या फिर एज अ ब्लश यूज़ करो, द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। एंड इट इज़ कम्प्लीटली मैट, इसमें कोई शिमर पार्टिकल नहीं है, इसमें कोई भी ग्लॉसीनेस नहीं है, ये एक मैट क्रेयॉन लिपस्टिक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे भी आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। लाइक लुक एट दिस, बहुत प्यारा लाइट न्यूड कलर है जो सुंदर लगता है। अगर आप हल्के से और फेयर हो ना तो आप पे और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। मैंने तो अभी बहुत कम लगाया तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। दिस इज़ लाइक ऑन द गो सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, न्यूड स्टिक्स प्रोडक्ट्स ही ऐसे बनाते हैं जो ऑन द गो आप यूज़ कर सकते हो फटाफट। या सो इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव, लेकिन अमेजोन की सेल पर अच्छी डील पर अवेलेबल है। अगर आप स्प्लर्ज करना चाहते हो तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। एंड विद दिस माई रिकमेंडेशन आर ओवर। वैसे तो बहुत सारे और भी ब्लशेज है जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, बट अगेन मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी और वीडियो लंबी नहीं रखूंगी। ये जितने मेरे टॉप फीचरिंग वाले वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में भी, उसमें खाली लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही होंगे जो मैं शॉर्ट आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अमेजोन की ब्यूटी सेल चल रही है तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, लाइक टॉप 5, टॉप 10, टॉप 7, मतलब जितने निकलेंगे मैं निकाल दूंगी उसमें प्रोडक्ट्स। लेट मी नो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड डू पार्टिसिपेट इन माय गिव अवे, 200K गिव अवे अभी भी चल रहा है तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो जुलाई एंड तक चलेगा तो 31st तक आपके पास टाइम है पार्टिसिपेट करने का। सो डू पार्टिसिपेट इन इट। मैं यहाँ पर कहीं मेंशन कर दूंगी जो गिव अवे की वीडियो है, वहाँ पर जाके आप लाइक पार्टिसिपेट कर सकते हो। या दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।